वैसे कल तो फेस खत्म हो गया एंड दिस इज द नेक्स्ट डे. आज है तारीख 3 फरवरी एंड ये ब्लॉग शायद 4-5 को आएगा क्योंकि यार एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड वैसे भी थोड़ा बहुत काम में बिजी है. और मेरा भाई परसों आया था फेस के दिन, कल आया था, सॉरी परसों आया था ना तुषार? परसों आया था. तो तुषार परसों आया था फेस देखा, इसने पूरा का पूरा इंजॉय किया, सारी वीडियोज़ बनी. जितनी सारी क्लिप्स आप देखोगे वीडियोज़ बनाई वो भाई ने रिकॉर्ड की थी. कैसा लगा था तुषार फेस्ट? बहुत बढ़िया था भाई ने पूरा टोटल इन्जॉय किया वहाँ पे, उसको सबसे मिलाया. लेकिन पता क्या वो सबसे बड़ी बात और सबसे बेकार बात भी, मैंने इसके साथ ही पिक्स लेने ही याद नहीं रही यार. मतलब जब मैं कॉस्ट्यूम चेंज करा किया था तो मैं मुझे जो भी बंदा दिखा मेरे दिमाग में जो भी बंदा है मैंने उसके साथ पिक क्लिक की, लेकिन भाई याद नहीं रहा क्योंकि मैं बैक स्टेज था पूरा टाइम, इन स्टेज भी आया लेकिन उस टाइम पे ना तो इसको याद आया ना मुझे याद आया, पिक क्लिक करना याद ही नहीं रहा. वो सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ है यार. बट चलो कोई नहीं, होता रहता है. अब आगे ध्यान रखूंगा मैं कि ऐसे ऐसे भी बहुत सारी, क्योंकि जब मैं बैक स्टेज में था ना मुझे अभी भी याद है, जब मैं परफॉर्म कर रहा था बैक स्टेज कर रहा था तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार परफॉर्म किया था लाइफ में. जितने मैं कर पाया ना वो भी बहुत बड़ी बात है. तो अभी यार अभी जा रहे मार्केट में, मैं ई रिक्शा में बैठा हूँ, पीछे पूरी मार्केट है एंड मार्केट में से इसको सामान लेना है, वापस हरिद्वार जाएगा. थोड़ा शॉप का सामान है. फाइनल सामान ले लिया यार सदर बाजार से. यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना पूछो मत, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया. देखो ऊपर तक बननी है एंड अभी बस भाई को छोड़ने जा रहा हूँ आई एस बी टी से अपनी बस पकड़ेगा हरिद्वार की एंड निकल जाएगा सीधा. सदर बाजार, आज़ाद मार्केट और कौन कौन सी मार्केट, लाल कुआं मार्केट, ये सब मतलब एक दूसरे से मिली हुई है, आर के आश्रम, ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे से. तो अगर कोई नया बंदा इधर आए ना, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें भी लगता था कि अलग अलग दूर दूर होंगे, लेकिन बाय वॉक डिस्टेंस पे ही है, यू कैन कवर इट. अभी बस देखते हैं यार कितनी देर में पहुँचते हैं क्योंकि अभी बच गए, सोचो कितना टाइम हुआ है, 6:30 हो चुके हैं यार, 6:30. तो आप? हम यही मोरी गेट रहते हैं. आपका घर है फिर ऐसे ही? नहीं, हमारा घर है प्रतापगढ़. प्रतापगढ़, तो यहाँ पे बस ये काम करने के लिए आए हो आप? हाँ जी. और बीवी बच्चे फैमिली कहाँ है? फैमिली लेके वहीं पे है. एक ही बैग दे, पैसे दे दे भैया. नहीं सामान नहीं गिरा भैया, ऐसे ही ठीक है. नहीं भैया सोई रख लो. एक बार स्माइल कर दो, मुस्कुराओ. चलो ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू. हंसते रहा करो. आई एस बी टी पहुँच गया यार एंड पता है क्या, जब मैं उस रिक्शा वाले को जब मैंने पैसे दिए, भाई ने पैसे दिए, यार ये पिंपल जा नहीं रहा यहाँ पर. फेस में भी इसने बहुत दिक्कत की थी. हाँ तो जब उसने मैंने भाई ने उसको पैसे दिए ना, जो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, एक्चुअली उसने बोले थे तो हमें 100 रुपये बोले थे वहाँ पे, लेकिन हमने बार्गेन किया था उसको 80 में. और जब हम रास्ते में आए तो इतना मुस्कुरा रहा था, इतना स्माइल कर रहा था. हमने उसकी फैमिली के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा,
तो बंदा जी रहा था अपनी लाइफ, मतलब वो उसमें खुश था, लेकिन उसके बाल बाल उसके होलिया देख के हमें लग रहा था इसको ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ई रिक्शा कैंसिल किया और इस बंदे की रिक्शा में गए। और जब हमने इसको मतलब इसने हमें छोड़ा ना यहाँ पे, जब हम उतरने लगे तो हमारे पास लगेज बहुत सारा था, सारा का सारा सारा हमारा सामान है। तो जब लगेज हम उतारने लगे, इस बंदे ने मतलब हेल्प की लिटरली यार, इसने बैग अपने हाथों से उतारा। फिर मैंने कहा नहीं भैया मैं उतार लूँगा, फिर अंदर ले जाने लगा, फिर मैं छोड़ूंगा। फिर मैंने उसको 100 ही दिया हमने पे, मतलब 80 पे नहीं किया, 100 ही पे किया। अभी यहाँ पे शायद वीडियो अलाउड ना हो तो मैं इसको बंद करूँ। ये हमारे पास दो लगेज थे, एक ये पॉलीथीन ऊपर ये वाला बैग और ये कैरी बैग, और हम दो जने थे कैरी करने के लिए। वो बंदा इन सामान को भी मतलब उतारने लगा और फिर अपने आप ले जाने लगा हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर हमने मना कर दिया उसको। भाई को उसमें उठा दिया, वो पहुंच जाएगा सेफ सुरक्षित। यार अभी बस जा रहा हूँ बैक टू पीजी। इस शख्स को जिसको मैं छोड़ के आया ना अभी बस स्टैंड पे, मेरा भाई, छोटा भाई तुषार, इसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है इसके साथ यार। मैं कहीं भी एक्स्ट्रा खाने जाता हूँ, जब घर पे जाता हूँ या कोई एक्स्ट्रा बातें होती है जहाँ पे हम अकेले जाते हैं तो इसी के साथ होती है। बड़ा भाई थोड़ा लाइक कंजर्वेटिव टाइप से, एंड ऑलवेज मिस हिम, आई ऑलवेज डू। एक बार मुझे याद है हमारी लड़ाई हो गई थी, एंड इसने कुछ मुझे ऐसा ऐसा कहते थे, मैं रोने लगा था यार। ऐसा बहुत होता है। तो बाय तुषार, होप यू रीच सेफ एंड सुरक्षित, एंड खुश रहे यार, लव यू ब्रदर, बाय। एक मेट्रो स्टेशन आगे चला गया, नाउ आई एम एट जनपद स्टेशन। मुझे जाना था मंडी हाउस, मंडी हाउस से फिर रेलवे लाइन। पता नहीं कोई गाना सुन रहा होगा कोई इम्पोर्टेंट, बट आई वॉज लॉस्ट देयर। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द राइट वे। जिंदगी के रास्ते भी कुछ ऐसे होते हैं, गलत और सही रास्ते भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेट्रो में तुम्हें दिख जाता है कि तुम्हारा मेट्रो स्टेशन कितना आगे इतने तुम निकल गए हो और कितना पीछे तुम रह गए हो, क्योंकि इसमें सिग्नल लाइट सिग्नल्स दिखते रहते हैं और ज़िंदगी में ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं होते। और शायद ये डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ सिग्नल्स हमें दिख जाते हैं और हम उनको लाइक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी सक्सेस को देते हैं। तो गाइस एक छोटा सा ख्याल आया था, इसलिए मैं दोबारा कैमरा ऑन किया एंड शेयर करने के लिए मेरे पास बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड आई एम लिटरली टू टायर्ड, नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक। तो गाइस मैं पीजी वापस आ गया हूँ, एंड ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो को एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, एंड ये 4-5 को आएगी। तो वैसे आज के लिए बस इस ब्लॉग को मैं यहीं रखता हूँ, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, जब इतना तुमने देख ही लिया। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और एक बात बताऊँ कि एपिसोड नंबर 2 भी जल्दी आ रहा है, उसका क्वेश्चन मुझे मिल गया है। एक्चुअली वो एक कमेंट थी जो आप लोगों में से किसी ने की थी, तो आई एम गोना आंसर दैट क्वेश्चन। सो सी यू।